हेलो दोस्तों दोस्तों आज ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट पर जो सेक्शन चल रहा है हमारा प्रोसेसेस के अंदर, आज हम देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कंटेस्ट स्विचिंग का। ठीक, एक चीज बता दूं इस टॉपिक के बारे में कि जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे बीटेक भी या बी सी एम सी मतलब सी एस सी आई टी की फील्ड में है, उनको ये पेपरों में 4 से 5 नंबर तक की इसकी वेटेज है और 2 से 3 साल के अंदर ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाला जो सेक्शन है हमारा सीपी शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग, उसके अंदर काफी मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, अब मेन इसके अंदर देखो फोकस हम क्या करेंगे, जो बेसिकली जो बच्चे गलती कर देते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम, ये कुछ डेफिनेशन में एक आधा वर्ड इधर से उधर घुमा देते हैं या छोटी मोटी जो के कुछ और ही समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को आते हुए भी और लिखाते हैं कुछ और, वो देखेंगे कि वो बेसिकली गलती क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं कंटेस्ट स्विचिंग की, बेसिकली कंटेस्ट स्विचिंग क्या है। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है जो अपने मैंने अपने वे में लिखी है, इसके अंदर क्या है कि जब सीपीयू एक प्रोसेस को स्विच करता है, जब सीपीयू एक प्रोसेस को स्विच करता है फ्रॉम रनिंग से रेडी या वेट स्टेट में डाल देता है। मैंने क्या बताया अभी तक कि जब सीपीयू एक प्रोसेस को जो रनिंग में है उसको उठा के वेट स्टेट में डाल दिया या रेडी स्टेट में डाल दिया, तब वो क्या करता है उस प्रोसेस की, उस टाइम क्या होती है उस प्रोसेस की कंटेस्ट, या हम कह सकते हैं उसकी स्टेट, मतलब कि भाई रनिंग से रेडी में जा रहा तो स्टेट चेंज करते हैं या रनिंग से वेट में जा रहा तो स्टेट चेंज करते अपडेट करते कि अब तो दूसरी स्टेट में आ गया। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब एक सीपीयू को स्विच करना पड़ता है एक प्रोसेस को जो रनिंग में था उसको रेडी में डालना पड़े या वेट स्टेट में डालना पड़े, तब उस टाइम क्या होता है कि उसकी जो कंटेस्ट है या उसकी जो स्टेट है या जो उसकी डिटेल्स है या चाहे उसकी इंफॉर्मेशन है, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रनिंग को उठा के रेडी में डाल दिया मतलब रेडी क्यू में गया तो रेडी में चेंज नाम चेंज कर दिया स्टेट में, नहीं, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो चेंज होती है। तो उस टाइम क्या होता है कि उसकी जो स्टेट है या उसकी जो कंटेस्ट है या जो उसकी डिटेल्स है या इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है उस प्रोसेस की सेव होती है, जो भी उसे अपडेशन करनी पड़ती है वो क्या होती है सेव होती है उसके पीसीबी में। हर एक प्रोसेस की अपनी एक पीसीबी होती है यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो हम पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं, तो वो क्या होगी उस पीसीबी में जाके वो चीजें क्या होगी चेंज हो जाएगी अपडेट हो जाएगी बाद में। इसको हम मतलब इसे क्यों किया, ताकि भाई ये चीजें क्यों हो रही, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सके या सीपीयू क्या कर सके बाद में जब उस प्रोसेस को दोबारा लेके आया जाए। ठीक है जी, जब उस प्रोसेस को दोबारा एग्जीक्यूशन में लेके आया जाए तब हम क्या कर सके रिज्यूम कर सके अपने उसी प्रोसेस को उसी पॉइंट से। ठीक है जी, सिंपल सी चीज एक ही लाइन में बताता हूं कि जब सीपीयू को करना पड़ता है स्विच किसी प्रोसेस को रनिंग से रेडी स्टेट में या वेटिंग स्टेट में, तब क्या होती है उसकी कंटेस्ट या स्टेट या उसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है उसके पीसीबी में। और हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जब इस प्रोसेस को दोबारा एग्जीक्यूशन में लाया जाए तब हम उसको रिज्यूम कर सके उसी सेम पॉइंट से। ये होता है हमारा कंटेस्ट स्विचिंग। ठीक है जी, सिंपल चीज है। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे एक या दो गलती कर बैठते गलती से, अब वो क्या समझ लेते हैं गलती से, पेपरों में क्या लिख के आते हैं कि व्हेन प्रोसेस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इट इज नोन एज कंटेस्ट स्विचिंग। भाई जब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाते तो इसको हम कंटेस्ट स्विचिंग कहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक चीज बताओ, रेडी में कोई पढ़ा है रनिंग में जाएगा, ये भी तो प्रोसेस चेंज हो रहा है स्विच हो रहा है, तो क्या ये कंटेस्ट स्विचिंग हुआ, नहीं हुआ। वेटिंग से रनिंग में गया या रेडी में गया तो क्या ये कंटेस्ट स्विचिंग है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, ये दूसरी गलती यहाँ पे क्या कर बैठते हैं कि व्हेन वी स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इट्स कंटेस्ट आर सेव्ड। जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करते हैं, सॉरी एक प्रोसेस स्टेट से दूसरे प्रोसेस स्टेट पे स्विच करते हैं तब उसके कंटेस्ट को सेव किया जाता है,
इसको कंटेंट स्विचिंग कहते हैं? नहीं ये भाई, ये दोनों चीजें गलत है। सिंपल सी चीज है, यहां पे कुछ और नहीं लिखना। जब सिर्फ सीपीयू स्विच करता है एक रनिंग प्रोसेस को रेडी में डाले या वेट स्टेट में डाले, तब जो कंटेस्ट सेव होता है या जो स्टेट सेव होती है, जो भी डिटेल सेव होती है पीसीबी में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंटेस्ट स्विचिंग कहते हैं। ये याद रखना, ये सीपीयू के टाइम ही होती है। यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपने एक्सपीरियंस से भी आ जाएगी, जिस पर हमने टॉपिक पढ़े है कि सीपीयू के पास सिर्फ रनिंग वाली ही ओनली क्या होती है? प्रोसेस होती है, और सीपीयू के पास कोई और प्रोसेस नहीं जाता। ऐसा क्यों भाई? जब हमने स्टेट करी थी प्रोसेस की, हमने क्या देखा था? यहाँ पे न्यू थी, यहाँ पे क्या थी? रेडी, यहाँ पे रनिंग, यहाँ पे टर्मिनेटेड, और बीच में क्या थी? वेटिंग की। आपको मैं वो इमेज भी दिखा देता हूँ, ठीक है? देखो ये इमेज है उसकी। अब इसमें आप देख सकते हो कि सीपीयू के पास सिर्फ रनिंग वाली ही हमारी क्या होती है? प्रोसेस होती है, जिसे वो एग्जीक्यूट करता है। अब एक चीज बताओ कि जब रनिंग वाली ही होती है तो रनिंग से ही तो रेडी या वेट में लेके जाता है, तो हम दूसरी स्टेट को क्यों डाल रहे बेखाम में बीच में? तो ये याद रखना, गलती मत करना जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे कि प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो कंटेस्ट स्विचिंग होती है। नहीं भाइयों, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कंटेस्ट स्विचिंग तब आती है जब हम सीपीयू की बात करते हैं, वो अपने एक रनिंग प्रोसेस की स्टेट को चेंज करता है रेडी से वेट, रेडी या वेट में डाले, तो उस टाइम जो हम कंटेस्ट स्विचिंग करते हैं, बेसिकली जो चीजों को सेव करते ताकि आगे जाके हम उसी पॉइंट से रिज्यूम कर सके, इस होल मैकेनिज्म को, इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंटेस्ट स्विचिंग। अब बात आती है कि व्हेन कंटेस्ट स्विचिंग, भाई ये कब होती है या क्यों होती है? सिंपल सी बात है कि जिसको प्रोसेस स्टेट का डायग्राम पता है, वो सिंपल सी एक चीज रिमाइंड करना कि रनिंग पे एक प्रोसेस पड़ा था उस टाइम, तो हमने दो चार लाइनें बना के उसको रनिंग से या तो रेडी पे लेके गए थे या नीचे वेटिंग पे लेके गए थे। अगर वो चीज दिमाग में आ जाए तो आंसर सिंपल हो जाएगा, सारी चीजें आपकी प्रोसेस स्टेट डायग्राम में ही पड़ी है, ठीक है? तो कंटेस्ट स्विचिंग के यहाँ पे चार मेजर हम मैंने वो निकाले हैं कि पॉइंट जो बेसिकली जिन वजह से कंटेस्ट स्विचिंग होती है कि सीपीयू को एक रनिंग प्रोसेस को पकड़ के बेचारे को एक रेडी में या एक वेट स्टेट में डालना पड़ता है, ठीक है? तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, जब एक हम मूविंग कर रहे हैं यूजर टू कर्नल मोड, यहाँ पे देखो दोनों हो रही है, यहाँ पे यूजर से कर्नल या कर्नल से यूजर मोड में चेंज होता है जब प्रोसेस हमारा, तब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें कंटेस्ट स्विचिंग होती है। उस टाइम भी सीपीयू किसी को हैंडल कर रहा है, यूजर प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, सडनली कर्नल की वजह से उसको जाना पड़े तो क्या करेगा? जो रनिंग में था यूजर का, यूजर मोड वाला प्रोसेस, वो क्या होगा? रेडी में या वेट में चला जाएगा। सेम ऐसा क्या होगा कि कर्नल वाले को भी यूजर मोड में जाना पड़ सकता है, तो उस टाइम भी सीपीयू को क्या करनी पड़ेगी? कंटेस्ट स्विचिंग करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है कि या तो कोई इंटरप्ट आ जाए भाई, ठीक है जी, या सिस्टम कॉल आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, सीपीयू को अपनी प्रोसेसिंग उस करंटली रनिंग प्रोसेस से हटा के किसी दूसरे प्रोसेस के ऊपर फोकस करना पड़ जाए, ये भी हो सकता है, बिल्कुल होता है, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए रनिंग प्रोसेस के टाइम पे, तब क्या होगा, भाई सीपीयू को एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक मैसेज मिलेगा कि एक हाई प्रायोरिटी का हमारे पास क्या आ गया है, एक प्रोसेस आ गया, तो जो करंटली वाला भाई उसको जो रनिंग में है उसको रोक दो, पोज पे डाल दो, रेडी पे डाल दो या वेट पे डाल दो, और जो हाई प्रायोरिटी का है उस प्रोसेस को पकड़ो और आगे भाई इसको रन पे डालो। या कोई इनपुट आउटपुट इवेंट आ जाए, जहां पे हमने देखा था रनिंग से वेटिंग पर डाल देते हैं हम किसी इनपुट आउटपुट इवेंट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, एक रनिंग वाला वेटिंग में चला जाता है। ऐसे देखो काफी सारे इंटरनल एग्जांपल है इसमें कि मेमोरी कम पड़ गई है सीपीयू के पास भाई इस टाइम प्रोसेसिंग के लिए, तो क्या करेगा, मेमोरी में जगह नहीं है तो जो रनिंग में है उनको क्या करेगा, उठा उठा के क्या करेगा, सेकेंडरी डिवाइस में भेज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेमोरी में जगह होती है, अब जो प्रोसेस पड़े उनको हम रन करते हैं, जिसे हम स्वैप इन स्वैप आउट भी कहते हैं कंसेप्ट, आगे जाके पढ़ेंगे कि एक प्रोसेस जो रनिंग में होते हैं वो क्यों स्वैप आउट होके उनसे सीपीयू छीन लिया जाता है, उनको सेकेंडरी डिवाइस में भेज दिया जाता है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट इतना हुआ कि कंटेस्ट स्विचिंग क्या होती है, ठीक है, और क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये बेसिकली हम मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें सीपीयू
किसी ना किसी को मिलता रहे, सीपीयू की यूटिलाइजेशन होती रहे, इस वजह से हम ये कंटेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट उनमें डाला गया था। ये दो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम सेम ही है, बट जिसको जिस वे में समझ में आए लैंग्वेज लिखने में वो उसको वैसे यूज कर लेना है। सिर्फ एक क्या चीज है कि जो आपकी बेसिकली डेफिनेशन है उसी को डायग्रामेटिकली बस रिप्रेजेंट किया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं कि एक प्रोसेस है हमारे पास जिसमें क्या हो रहा है, बेसिकली उसको सीपीयू चाहिए था तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कि भाई सीपीयू उसको चाहिए था मगर वो रनिंग में था तो सडनली उसे सीपीयू ले लिया गया। ठीक है जी, सीपीयू लेने की वजह से क्या हुआ कि वो जो अपनी करंट स्टेट थी, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन थी, अपने पीसीबी के अंदर क्या करेगा, सेव कर लेगा। ठीक है जी, प्रोसेस चल रहा था, उससे प्रोसेस छीन लिया, सीपीयू छीन लिया गया, तब क्या हुआ उसकी जो स्टेट थी पीसीबी के अंदर जाके उसको चेंज करेगा, सेव करेगा, और सीपीयू क्या वहां पे क्या हो रहा होगा, लोड हो रही होगी स्टेट पीसीबी के ही। ठीक है जी, पीसीबी की स्टेट लोड हो रही होगी डिस्पैचर के थ्रू, जिसमें क्या होगा कि भाई इस सीपीयू को इस प्रोसेस को अब हमें ये क्या देना है, ये प्रोसेस देना है। प्रोसेस पी टू की बात है, प्रोसेस टू की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, इसके बीच में क्या होता है, सीपीयू खाली बैठता है, आइडल बैठता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंटेस्ट स्विचिंग। जहां पे पिछला प्रोसेस जो चल रहा था उसकी स्टेट सेव हो रही थी पीसीबी में उसके, और जो नया प्रोसेस आना था रनिंग में उसकी स्टेट क्या हो रही थी, लोड हो रही थी। इसमें हमने क्या किया, कंटेस्ट स्विचिंग। ये बेसिकली मानी जाती है टाइम ऑफ वेस्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू क्या है, आइडियल बैठ गया, खाली बैठ गया, जब तक उसके पास कोई प्रोसेस आएगा नहीं वो बेचारा करेगा क्या, रन तो उसने रनिंग में लाने प्रोसेस को। ठीक है, अब प्रोसेस टू रन कर रहा है, अब क्या हुआ कि जब इससे सीपीयू छीन लिया जाएगा तो क्या होगा, इसकी सेव को हम यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्रोसेस टू चल रहा था तो वो अब जब उससे सीपीयू छीन लेंगे, कंटेस्ट स्विचिंग होगी, तो क्या होगा उसकी स्टेट को सेव किया जाएगा, किसके अंदर, उसके पीसीबी के अंदर, और जो दूसरा कोई और प्रोसेस जिसको आना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस वन को आना था तो उसकी स्टेट को लोड कर दिया जाएगा, जहां से हमने उसको लिया था उसी पॉइंट से इसको रिज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, प्रोसेस टू बाहर निकल चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा प्रोसेस वन आ चुका है। ओके, आई थिंक ये गलत डाल दिया मैंने जल्दबाजी में। ठीक है, अब यही देखो, यहाँ पे इंटरप्ट या सिस्टम कॉल की वजह से आ गया, इंटरप्ट या सिस्टम कॉल की वजह से कंटेस्ट स्विचिंग करनी पड़ी। सेम वही चीज और कुछ नहीं है, यहाँ पे लाइनों में ये प्रोसेस ए चल रहा है, प्रोसेस बी चल रहा है, यहाँ पे ये सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा था, जिसमें क्या हुआ कि ये साइकिल दिखा रखे तरीके से, मान लो सीपीयू में राइट टाइमिंग रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही उसे सीपीयू लेंगे तो क्या होगा, ये कंटेस्ट स्विचिंग एग्जिट करेगी, वो अपनी सेव करेगा, जो भी डिटेल है, जो भी चीजें है, रजिस्टर मैंने लिखा है यहाँ पे रजिस्टर, इसके अंदर क्या होगा कि देखो काफी चीजें सेव होती है, सिर्फ वही नहीं कि उसका नाम चेंज कर दिया गया, रनिंग से रेडी में चला गया, वेट में चला गया, जो उनसे रजिस्टर वो यूज कर रहा है अपने डेटा को सेव करने के लिए, उनकी भी डिटेल सेव होती है, कहाँ पे कितना हम प्रोसेस कर चुके हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ, तभी मैंने दो डायग्राम अलग अलग दिखाए जिसको जिस वे में करना कर सकता है, यहाँ पर रजिस्टर्स को सेव किया, देन दूसरा जो प्रोसेस है प्रोसेस बी, उसकी जो रजिस्टर उसकी जो डिटेल्स है उसको लोड किया गया। ठीक है जी, इतनी प्रोसेस को हमने क्या कहा, कंटेस्ट स्विचिंग। यहाँ पे अभी प्रोसेस सीपीयू हमारा खाली बैठा है, याद रखना प्रोसेस भी खाली बैठा है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे प्रोसेस खाली बैठा है, अब इस पॉइंट से उसको क्या मिलनी शुरू हुई, सीपीयू, तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, एग्जीक्यूट हो रहा था, देखो यहाँ पे भी खाली बैठा, वो प्रोसेस कुछ नहीं है, इस पॉइंट से क्या होगा, अब उसे सीपीयू ले लिया जाएगा, जब सीपीयू ले लिया जाएगा तो क्या होनी है, कंटेस्ट स्विचिंग होनी है, डिटेल सेव और लोड होनी, तो वही हुआ, सेव रजिस्टर और रीलोड रजिस्टर कर रहे हैं, जितनी देर में भी वो खाली बैठा है, इस पॉइंट पे आके उसको क्या मिलनी शुरू हो जाएगा, सीपीयू मिलना शुरू हो जाएगा, और क्या होगी, एग्जीक्यूटिंग हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसेस भी क्या खाली बैठा है, उसको भाई उसका कुछ रनिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप इसे दोनों डायग्राम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जो करना चाहे वैसे, जिसमें उसको समझ में आए, बट डिटेल के अंदर बस वो गलतियां मत करना कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे जाके स्विच होता है तो उसको कंटेस्ट स्विचिंग कह दी, या प्रोसेस जब स्विच होता है तो डिटेल्स हम कंटेस्ट सेव करते हैं उसे कंटेस्ट स्विचिंग कह दी, ये दोनों डेफिनेशन गलत है। सिंपल सी डेफिनेशन की कंटेस्ट स्विचिंग तभी एग्जिस्ट करती है जब सीपीयू में कोई प्रोसेस रनिंग में हो और उसको हम रेडी या वेट स्टेट में डाल दें, तब कंटेस्ट और उसकी स्टेट को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, उसकी पीसीबी में चेंजेस किए जाते हैं, ताकि हम जब आगे जाके उस प्रोसेस को
एग्जीक्यूट करें तो हम उसको उसी पॉइंट से रिज्यूम कर सके जिस पॉइंट से उसको हमने उस टाइम छोड़ा था, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, सिंपल चीज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कंटेस्ट स्विचिंग। अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ये नोट्स है। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक में। थैंक यू। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।